तो गाइस फाइनली 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 बाहुबली इज बैक। ब्लॉकबस्टर टैग मिल गया, ब्लॉकबस्टर हो गया मूवी। यहाँ पे साबित हो चुका है कि भाई साहब सलार मूवी का बजट जो है वो 270 करोड़ ही है या फिर 250 करोड़ ही है, जहां पे मेकर्स ऑफिशियल तरीके से मेंशन कर दिए कि सलार ब्लॉकबस्टर कह करके। तो सलार मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है अभी। ये बहुत बड़ी जश्न वाली बात है, बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि भाई साहब साहो के बाद, राधेश्याम के बाद और आदि पुरुष जैसी फिल्म के बाद फाइनली डार्लिंग प्रभास को ब्लॉकबस्टर मिल ही गई। और यहाँ पे बस टैग नहीं मिला है, लिखा नहीं गया है भाई साहब, ब्लॉकबस्टर टॉक भी हो रहा है। मैं नहीं बात कर रहा हूँ क्रिटिक्स की, सोकल रिव्यूअर की, सोकल बड़े बड़े यूट्यूबर की या फिर किसी की, या फिर ना तो मेरी, मैं बात कर रहा हूँ ऑडियंस की, पब्लिक की, जो लोग भाई सलार मूवी को देख करके तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, बार बार बारीकी से हर एक सीन के ऊपर सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, रवि बसरूर जी के बीजीएम को, रवि बसरूर जी के म्यूजिक को बहुत सारे लोग नकार रहे थे। डायरेक्टली नाम ले तो सूरज कुमार, तो अभी हम देखोगे पब्लिक को वो म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली मुझे जो गेट पे जो एंट्री करने वाला जो बीजीएम है बहुत सारी जगह पे सुनने को मिलता है, वो वाला बीजीएम, माँ काली का जो भी बीजीएम होता है या करके, वो वाला बीजीएम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एकदम से घुसबम दे जाती है, लिटरली घुसबम दे जाती है। तो गाइस ब्लॉकबस्टर टॉक के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज डार्लिंग प्रभास की ऑलरेडी साबित हो चुकी है सलार मूवी, और तीन दिन में, सिर्फ सिर्फ 3 दिन के अंदर 400 करोड़ तक का बिजनेस करके भाई साहब कमाल ही कर दिया, धमाल ही मचा दिया। 402 करोड़ तक, 402 इसका 3 दिन का बिजनेस, 3 दिन का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं तो KGF चैप्टर 2 जिसका 400 करोड़ है 3 दिन के अंदर, उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जवान और पठान इन दोनों फिल्मों का जो कलेक्शन था 3 दिन के अंदर वो 400 करोड़ के भीतर था। ओके 400 करोड़ के भीतर है, जो यहाँ पे मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है मेरे ख्याल से, जो कि जवान का 383 करोड़ है और पठान का जो है 313 करोड़। तो ये सारी फिल्मों की रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और मैं तो सही मायने में, जो कि कल के वीडियो में भी बता रहा था और अभी भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि भाई सलार मूवी एकदम से नंबर वन मूवी है, जिस तरह से रिलीज हुआ है ए सर्टिफिकेट के साथ, इतनी बड़ी क्लैश के साथ, हिंदी मार्केट में बिल्कुल कुछ भी ना करने के साथ, ओके हिंदी मार्केट में डायरेक्टली डंकी मूवी के साथ क्लैश करते हुए और आदि पुरुष जैसा फिल्म देख करके डार्लिंग प्रभास इस तरह का काम करे है 2023 में, तो भाई साहब ये नंबर वन मूवी है। मतलब ये ट्रिपल आर से भी और बाहुबली 2 से भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, जो कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ है। ओके बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो 402 करोड़ के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके सलार मूवी जो है ब्लॉकबस्टर बन गई है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि फेक कलेक्शन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दो रीजन एक्चुअली ढूंढा हूं। पहला रीजन तो ये है, जो कि मुझे डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मुझे कुछ कमेंट ऐसा भी आया कि जो एक एक दिन में ये जो नंबर दे रहे हैं, पहले दिन दिए ये लोग डे वन कलेक्शन का 178, दूसरे दिन ये लोग दिए 295, तीसरे दिन को ये लोग दिए 400 करोड़, ओके 402। तो सब लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में इतना कलेक्शन हुआ है, मतलब डे वन में 178, डे टू में 295 और डे थ्री में 400 करोड़, तो ये सबको मिला देते हैं तो 800-900 करोड़ हो जाता है। तो इसको शायद कुछ लोग फेक कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये लोग जो भी दे रहे हैं सब कुछ ऐड करके ही दे रहे हैं। मतलब डे वन का सिर्फ डे वन के लिए था, लेकिन डे टू में जो पोस्टर आया वो दो दिन का मिला करके 295 और आज जो आया है ये 3 दिन का मिला करके 402 करोड़ होता है। ये है एक रीजन जो कि ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है मेरे ख्याल से, ये मेन रीजन है, जो कि कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो कलेक्शन आ रहा है ये कलेक्शन सारा का सारा फेक है और फेक एक्सपोज हो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यार देखो, फेक कलेक्शन, कॉर्पोरेट बुकिंग, ये सारा चीज कहां पे बातें उठती है पता है, जब हमें पब्लिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, पब्लिक का भीड़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सलार मूवी के साथ थिएटर के सामने किस तरह का भीड़ है, पब्लिक का किस तरह का रिएक्शन है, आप देख सकते हो। जवान और पठान के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला था मेरे भाई, वहां पे बस टिकट देखने को मिला था कि टिकट लाइन लाइन करके एक दो बंदा आते हैं और टिकट लाइन लाइन करके खींच करके ले जाते हैं। हाँ फैमिली के लिए, हम पूरा गांव के लिए ले लिया, हम 700 टिकट लेकर के जा रहे हैं, बोले दो बंदा आएंगे पूरा का पूरा टिकट का वीडियो बना करके दे देंगे। लेकिन यहाँ पे सलार मूवी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों की वीडियो देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा भीड़ का वीडियो देखने को मिल रहा है। तो जहां पे पूरा का पूरा भीड़ देखने को मिल रहा है तो वो फेक कैसे हो सकता है? तो ये सब कुछ हेट ही चल रहा है और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो करने दो भाई साहब,
करने दो, ठीक है ना, उनको अगर थोड़ा बहुत राहत मिल रही है इसमें। सच बताएं तो डार्लिंग प्रभास के जितने सारे हेटर्स हैं, सलार मूवी के जितने सारे हेटर्स हैं, इन लोगों का एकदम से जली पड़ी होगी, पर जल की बूंद हो गया होगा। तो उसमें अगर थोड़ा सा ये फेक कलेक्शन वाली बात उठा करके थोड़ा सा मरहम लग रहा है उन लोगों को, थोड़ा सा ठंडक लग रहा है, थोड़ा सा आइस मिल रहा है उन लोगों को, तो मिलने दो ना, क्या हो गया। ओके, क्या हो गया। तो गाइस सच बात तो ये है कि यही प्रॉब्लम है, यही सारा चीज है। मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, वीडियो का प्रूफ है आप लोगों के पास सोशल मीडिया पे, जो कि लोगों का भीड़ देखने को मिल रहा है, लोगों का भीड़ देखने को मिल रहा ना, टिकट का भीड़ देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, टिकट का भीड़, लाइन लाइन करके दो लोग आएंगे, 700-800 टिकट खरीद के ले जाएंगे, किसके लिए। ओके, तो वहां पे यहां पे जो है ना भाई, अगर 1000 टिकट बिक रही, मतलब बेची जा रही है, 1000 टिकट अगर सोल्ड आउट हो रहे, तो वहां से हमें 1000 लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों का भीड़ देखने को मिल रहा है। तो ये होता है एक्चुअल में ओरिजिनल कलेक्शन। ओके, ओरिजिनल कलेक्शन। तो भाई ये जो चल रहा है ना, ये फेक, ये सारा चीज के ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर क्वेश्चन ही मत दो, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देने का इसके ऊपर कि ये क्या होता है। आप लोगों को पता ही है, जिसका जली पड़ी होती है ना, वो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। ओके, तो छोड़ दो इसे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलार मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, 400 करोड़ तक का कलेक्शन कर दिया है। बस कलेक्शन नहीं, मैं हमेशा डार्लिंग प्रभास की फिल्म को लेकर के हमेशा यही सोच करके रखता हूँ भाई, खाली कलेक्शन करना सही नहीं है। आदि पुरुष भी कलेक्शन कर रहा था, मैं उसका कलेक्शन नंबर बताते हुए बहुत ही उदास तरीके से वीडियो बना रहा था। अगर मेरे उस टाइम पे वीडियो देख रहे थे तो आपको पता होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात ये है कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं वो फिल्म के, लोग किस तरह से लोग वो फिल्म के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो फिल्म को एंजॉय कितना कर रहे हैं, वो फिल्म को कितना सराहना मिल रही है, कितना तारीफ कर रहे हैं, और वो चीज देखने को मिला है। और अगर वो हो रहा है ना भाई, तो ये है असली ब्लॉकबस्टर। ओके, ये है असली ब्लॉकबस्टर। कहीं पे भी सलार मूवी का नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, सिवाय सूरज कुमार या फिर अंजू बंजू किसी के, वो जो है कुछ लोग, ओके, उनके अलावा कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो कि असली ऑडियंस है, जो कि असली बॉक्स ऑफिस का नंबर जो लोग बढ़ाते हैं पब्लिक, उनसे अगर फिल्म की तारीफ मिल रही है, उनसे अगर फिल्म का सराहना मिल रहा है, तो गाइस वो फिल्म कभी गलत नहीं हो सकता। लिटरली भाई, लिटरली देखो, गदर 2 मूवी, ये सारा फिल्म देखो, हमें थोड़ा सा ये लगा था, हम मिक्स रिव्यू वगैरह दिए थे, लेकिन लोग एंजॉय किए थे, लेकिन हम उसको एकदम से तारीफ नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब, लेकिन जो है लोग अगर एंजॉय करे हैं तो भाई साहब बहुत ही कमाल है। लेकिन यहाँ पे सीन अलग है, यहाँ पे लिटरली सबकी दिल को भाया है वो फिल्म, जो कि कमाल लगा है, लिटरली कमाल लगा है। जाकर के सोशल मीडिया पे घूम लो भाई साहब, और आप अपने दिल को ऑनेस्टली पूछो कि भाई साहब सलार मूवी कैसा है। ओके, तो गाइस ये सारा चीज होने के बावजूद, ये सारा चीज हो जाने के बाद ना, हम ये फेक कलेक्शन, ये हेटर्स लोगों की बातें, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने का नहीं है। यहाँ पे खुशी का मौका है, उत्सव की तैयारी करो। सलार मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, 402 करोड़ तक का कलेक्शन करके 3 दिन के अंदर सबकी रिकॉर्ड को तोड़ करके, इतनी बड़ी क्लास में फंस के, ए रेटेड मूवी हो करके, भाई साहब और क्या मैं आपको बताऊं, इतनी सारी हेट होने के बावजूद, ये मतलब सोर्स ना मिलने के बावजूद, इतने मुश्किल में भी। ओके, तो गाइस आदि पुरुष जैसा फिल्म होने के बाद भी, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, आदि पुरुष जैसा फिल्म होने के बाद, यहाँ पे तो गारंटी के साथ मैं कह सकते हो, आदि पुरुष में कोई और हीरो होता तो भाई साहब अभी 4-5 साल तक उसको देखने को नहीं मिलता। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा, जो अपडेट मेरे पास आया था कि अयोध्या में डार्लिंग प्रभास को इनवाइट किया जा रहा है राम मंदिर के जो ये प्रतिष्ठा वगैरह ये होगा। ओके, तो उस टाइम पे उनको बुलाया जा रहा है। तो गाइस ये होता है एक स्टार को पहचानना, ये होता है एक स्टार की स्टारडम, कि वो स्टार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है एक्चुअली में, लोग उनको पहचानते हैं, और लोगों का प्यार है तो ये हेटर्स लोगों का नफरत क्या ही कर सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।